हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं फाइनली आप लोगों से बात करने वाला हूँ बिहार की एक ज़बरदस्त वैकेंसी के बारे में, जो कि फ्रेंड CSBC की तरफ से जारी किया गया है। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरे नोटिफिकेशन को समझते हैं कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे फाइनली आ चुका हूँ केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु, जिसका जो ऑनलाइन अंतिम तिथि जो रखा गया है फ्रेंड 20/7/2023, यानी कि इसका जो फॉर्म है वो 20/7/2023 तक आप लोग भर सकते हैं। वही इसका मैं लेवल की मैं बात कर लूँ, यानी कि पे लेवल की बात कर लूँ, तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 21,700 से लेकर के 69,100 तक का इसमें सैलरी होगा। और वही इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं 21,391, जो कि अभी अब तक की बिहार की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है। और फ्रेंड, इसका जो फॉर्म है ये आप देख सकते हैं 20/6/2023 से प्रारंभ होगा। और चलिए देखते हैं इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभ्यर्थी की उम्र, ठीक है, और अभ्यर्थी की उम्र और ये भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन होना अनिवार्य है। और वही अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है, यानी कि सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता जो दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे 10+2 मांगा गया है, ठीक है। अगर आपके पास 10+2 क्वालिफिकेशन है जो कि 1/8/2022 तक आप उत्तीर्ण हो, ठीक है, यानी कि 1/8/2022 तक जो भी कैंडिडेट 10+2 उत्तीर्ण होंगे वह इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। वही फ्रेंड यहाँ पे एज क्राइटेरिया की मैं बात कर लूँ तो फ्रेंड यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वह 1/8/2022 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/8/2022 से लेकर 1/8/2022 तक आपकी जो उम्र होनी चाहिए वह न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, और वही अधिकतम उम्र जो है वह 25 वर्ष रखा गया है। और जो अन्य भर्ती में जो SC/ST/OBC को जो रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है वह यहाँ पे भी आपको देखने को मिलने वाला है। वही फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.4 में अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल मेजरमेंट जो होगा, ठीक है, ऊँचाई सीना और वजन के लिए कोई अंक देन नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पहली कह दिया गया है कि आपका जो ऊंचाई होगा इसको जो है मार्क्स में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। वही ऊंचाई जो यहाँ पे रखा गया है अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनकी जो हाइट होना चाहिए वह 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, ठीक है, 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है 160 सेंटीमीटर रखा गया है, और सभी वर्ग की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, यानी कि सभी वर्ग के जो महिला अभ्यर्थी होंगे उनके लिए जो हाइट रखा गया है वह 155 सेंटीमीटर रखा गया है, और यहाँ पे चेस्ट रखा गया है 81 और फुला करके आपका 86 होना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड यहाँ पे मैं बात कर लूँ एग्जामिनेशन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम होगा वह 2 घंटे का होगा, ठीक है, जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे और वह ऑब्जेक्टिव टाइप OMR पे होगा, ठीक है। और इसके लिए न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स जो रखा गया है 30% रखा गया है। और इसका जो सेकेंड स्टेज होगा यानी कि एग्ज़ाम के बाद जो आपका सेकेंड स्टेज होगा वह फिजिकल होगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे सिलेबस में जो है वह बदलाव देखने को नहीं मिला है, जिस प्रकार पहले भर्ती होते आ रहा था, ठीक है, यानी कि नंबर बेसिस फिजिकल के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, यहाँ पर भी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 5 मिनट से कम में, ठीक है, तो यहाँ 5 मिनट से कम में अगर आप फिजिकल कर लेते हैं यानी कि रनिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 50 मार्क्स मिलेगा। और वही 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक के अगर आप फिजिकल को क्वालिफाई करते हैं तो आपको रनिंग में जो 20 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और ये सब ऊंची कूद का दिया गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं इसके लिए एग्जामिनेशन फी है ना, फॉर्म फी कितना रखा गया है। तो
तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरा 22 में बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटी वर्ग के महिला पुरुष हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फ्रेंड वैसे कैंडिडेट को भी मौका दिया गया है जो कि बिहार राज्य के नहीं है, ठीक है, यानी कि बिहार से अलग के हैं, तो उन्हें भी यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। तो उनका जो फ़ी है फ्रेंड यहाँ पे 675 है, जो कि फ्रेंड इस पर काफ़ी फ़ी है, ठीक है, 675 रुपया लग रहा है। वही फ्रेंड यहाँ पे जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है 180 रुपया रखा गया है, जो कि ये आप ऑनलाइन मोड कर सकते हैं, ठीक है, नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड यही वो अपडेट्स था फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट अपडेट की।